हेलो, वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे, आप सबको अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ने जा रहे कक्षा 7 की पुस्तक अतीत से वर्तमान, अध्याय 8, क्षेत्रीय संस्कृतियों का उत्कर्ष। तो आइए अध्याय शुरू करते हैं। एक मशहूर कहावत है, कोस कोस पर पानी बदले और 7 कोस पर वाणी। इसका मतलब है कि हर 2-3 किलोमीटर पर पानी का स्वाद और स्तर बदल जाता है और हर 20-21 किलोमीटर पर भाषा में परिवर्तन हो जाता है। तो इस अध्याय में हम क्षेत्रीय भाषा एवं साहित्यों के बारे में पढ़ेंगे। गुप्तों के विशाल साम्राज्य के विघटन के परिणाम स्वरूप लगभग 6 शताब्दी से क्षेत्रीय राजनीतिक शक्तियों के अभ्युदय का सिलसिला शुरू हुआ। 7वीं एवं 8वीं शताब्दी तक जिन राज्यों का अस्तित्व उभर कर सामने आया, उसमें पाल, गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पल्लव तथा चोल आदि प्रमुख थे। इन राज्यों के विषय में आप पहले ही पढ़ चुके हैं। नए राज्यों के कारण भाषा, साहित्य, चित्रकला एवं संगीत जैसे क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलता है। परिणाम स्वरूप उत्तर भारत में जहाँ बांग्ला, असमिया, मैथिली, उड़िया व अवधी जैसे क्षेत्रीय भाषाओं में विकास के संकेत मिलते हैं, वहीं दक्षिण के राज्यों में तमिल व मलयालम जैसे क्षेत्रीय भाषाओं के विकास को भी अभूतपूर्ण प्रोत्साहन मिला। क्षेत्रीय संस्कृतियों के उत्कर्ष के इस महत्वपूर्ण दौर में आने वाले शताब्दियों में अखिल भारतीय स्तर पर उर्दू तथा हिंदी भाषा के विकास ने इनके साहित्य का बड़ा भंडार निर्मित किया। वहीं दूसरी तरफ इस काल में अपने क्षेत्रीय पहचान को समृद्ध और समृद्ध करने के क्रम में चित्रकला एवं संगीत के क्षेत्रों में भी कालांतर में अभूतपूर्व प्रगति हुई। इन सबके मिले जुले प्रभाव के कारण इन क्षेत्रों में सांस्कृतिक जीवन का आधार महत्वपूर्ण ढंग से विस्तृत और व्यापक बना। आइए अब देखते हैं भाषा एवं साहित्य। क्षेत्रीय भाषा की उत्पत्ति लगभग 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच हुई। कई राज्यों में संस्कृत के साथ साथ तमिल, कन्नड़ एवं मराठी का प्रयोग प्रशासन में किया जाने लगा। विजयनगर साम्राज्य में तेलुगु साहित्य का विकास हुआ। बहमनी राज्य में मराठी प्रशासन की भाषा रही। बाद में इन भाषाओं के विकास में मुस्लिम शासकों ने भी योगदान दिया। उदाहरण स्वरूप बंगाल के शासक नुसरत शाह ने रामायण एवं महाभारत का बंगाली में अनुवाद करवाया। दिल्ली के शासकों ने भाषा और साहित्य के विकास को बढ़ावा दिया, जिसके कारण हिंदी, उर्दू, बांग्ला जैसे अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को पहचान मिली। आम आदमी विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग बोलियाँ बोलते थे, जो सामूहिक रूप में अपभ्रंश कहलाती थी। इसी अपभ्रंश ने उर्दू, हिंदी, पंजाबी, बांग्ला आदि भाषाओं की उत्पत्ति हुई। उर्दू एक मिश्रित भाषा है, जिसमें अरबी, फारसी एवं तुर्की शामिल है। इसकी लिपि फारसी है, लेकिन व्याकरण के नियम अन्य भाषाओं के जैसे ही हैं। फारसी के विकास के लिए लाहौर पहला केंद्र बना। उर्दू भाषा की उत्पत्ति एवं विकास 11वीं शताब्दी से शुरू हुआ। इसके दो कारण थे। पहला, विभिन्न मातृभाषा वाले सैनिक आपसी बातचीत के लिए जिस भाषा का प्रयोग करने लगे वह उर्दू कहलाई। उर्दू का शाब्दिक अर्थ शिविर या खेमा है। और दूसरा कारण है, सूफी संतों द्वारा धर्म प्रचार और उपदेश देने के क्रम में इसका विकास हुआ। सूफी संतों के योगदान ने इसे और संपन्न बनाया। 14वीं शताब्दी में अमीर खुसरू ने इस भाषा को रेख्ता एवं हिंदवी का नाम दिया और इसमें काव्य रचना की। खुसरू की रचना का एक उदाहरण है, गोरी सोए सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरू घर आपने रैन भाई चहु देश। दक्षिण भारत में जिस उर्दू का विकास हुआ वह दक्कनी कहलाई। 18वीं शताब्दी के अंत तक उर्दू हिंदवी, हिंदी या दक्कनी कही जाती थी और लोग उर्दू भाषा को हिंदुस्तानी या दक्कनी के नाम से पुकारते थे। मुगल काल में उर्दू मुगलों की मातृभाषा बन गई और घर, दरबार तथा शिविरों में बोले जाने लगी। हिंदी, हिंद, हिंदवी और हिंदुस्तान जैसे शब्द का संबंध भारत के उत्तर पश्चिम भाग में रहने वाले सिंधु नदी से है। भारत व ईरान के बीच प्राचीन काल से ही संबंध बना हुआ है। ईरानी सिंधु को हिंदू कहते थे, हिंदू से हिंद बन गया। ईरान के लोगों ने जब इस शब्द में एक प्रत्यय लगाया तब वह शब्द हिंद बन गया, जिसका अर्थ होता है हिंद का। तभी से हिंद की भाषा हिंदी कहे जाने लगी। सल्तनत काल में हिंदी साहित्य के कई रूपों का उदय हुआ, जिनमें प्रमुख है जैन, लौकिक एवं गद्य साहित्य। जैनों ने साहित्य की रचना की, लेकिन उनकी अधिकतर रचना इस काल में संस्कृत में हो रही थी। हेमचंद सूरी ने जैन साहित्य के रचना के क्षेत्र में अपना योगदान दिया। लौकिक साहित्य में ढोला मारुहा नामक प्रसिद्ध लोकभाषा काव्य लिखा गया। इसमें ढोला नामक राजकुमार और मारवानी नाम की राजकुमारी की प्रणय कथा
का वर्णन है। इस कविता में स्त्री के कोमल भावों का बहुत ही मार्मिक वर्णन है। समकालीन लौकिक हिंदी साहित्य के अमर कवि अमीर खुसरू हैं। अमीर खुसरू ने हिंदी में बहुत सी पहेलियों की रचना की जो आज भी प्रचलित हैं। उनमें से एक पहेली है, तरवर से एक तिरिया उतरी, उसने बहुत रिझाया, बाप का उसने नाम जो पूछा, आधा नाम बताया। आधा नाम पिता पर प्यारा, बुझ पहेली गोरी, अमीर खुसरू जो कहे, अपने नाम न बोली नि बोरी। गद्य साहित्य और इतिहास लेखन कला का भी इस युग में विकास हुआ। जियाउद्दीन बरनी, अफीफ और एसामी इस युग के प्रसिद्ध इतिहासकार थे। इनके विषय में आप पहले ही पढ़ चुके हैं। जिया नक्शवी ने तूतीनामा नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें तोता एक ऐसी विरहनी नायिका को कहानी सुनाता है जिसके पति यात्रा पर गया था। यह कहानी मूल रूप से संस्कृत में था, जिसका जिया नक्शवी ने फारसी में अनुवाद किया था। सल्तनत काल में हिंदी साहित्य के विकास की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी, उसमें मुगल काल में तेजी आई। इस काल में हिंदी केवल दरबार और शाही महलों तक सीमित न रहकर एक जन आंदोलन के रूप में विकसित होने लगी। सभी मुगल बादशाहों ने हिंदी को संरक्षण प्रदान किया, लेकिन अकबर के समय यह विकास के शिखर पर था। 16वीं 17वीं शताब्दी में क्षेत्रीय भाषाओं में परिपक्वता आई तथा उत्कृष्ट संगीत में काव्य की रचना हुई। बंगाली, उड़िया, हिंदी, राजस्थानी तथा गुजराती भाषाओं के काव्य में राधा कृष्ण एवं गोपियों की लीला तथा भागवत की कहानियाँ का काफी प्रयोग होता रहा। इसी समय अलाओल ने जौनपुर के मल्लिक मोहम्मद जायसी द्वारा हिंदी में रचित पद्मावत का बंगला में अनुवाद किया। इस काव्य में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियान को आधार बनाकर एक प्रेम कहानी लिखी गई। अकबर के नवरत्नों में से एक अब्दुल रहीम खाने खाना थे, जो रहीम के उपनाम से प्रसिद्ध थे। उन्होंने हिंदी में बहुत से दोहों की रचना की। इनके द्वारा लिखित दोहे आज भी हमारे समाज में प्रचलित हैं और लोग इसे बहुत ही चाव से गाते हैं। उनके द्वारा लिखित दोहों के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। रहीमन विपदा तू भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान पड़े सब कोई। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख कड़े की होए, रहीमन बिगड़ी दूध के मथे न मक्खन होए। अकबर के समय में क्षेत्रीय भाषाओं में भी बहुत सी श्रेष्ठ रचनाएं हुई। उसके शासनकाल में ही तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की, जिसके नायक राम थे। इसी समय मुगल सम्राट एवं हिंदू राजा ने आगरा एवं आसपास के क्षेत्रों में बोली जाने वाली ब्रज भाषा को भी प्रोत्साहन और प्रोत्साहित किया। कवि सूरदास का इस भाषा लेखन में महत्वपूर्ण योगदान था। दक्षिण भारत में मलयालम भाषा की साहित्यिक परंपरा की शुरुआत मध्यकाल में ही हुई। महाराष्ट्र में एकनाथ एवं तुकाराम ने मराठी भाषा को काफी विकसित किया। बिहार राज्य अन्य भाषाओं का क्षेत्र रहा। इसमें से कुछ भाषाएं देशव्यापी स्तर पर बोली जाती हैं और कुछ का स्वरूप स्थानीय है। हमारे प्रदेश का न केवल राष्ट्रीय भाषा बल्कि स्थानीय भाषा और बोलियों के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मध्यकाल में बहुत से ईरानी यात्रियों ने इस क्षेत्र में रहने वाले विद्वानों एवं कवियों की चर्चा की है। बिहार के चंदेश्वर इस काल के प्रमुख टीकाकार थे, जिन्होंने सूफी संतों से प्रभावित होकर धर्म की व्याख्या की थी। देश के हिंदी भाषी राज्यों में इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ हिंदी की उत्पत्ति मगधी अपभ्रंश से हुई है। इसके अलावा क्षेत्रीय भाषा मैथिली, मगही एवं भोजपुरी का उद्भव हुआ, जिसका उर्दू के विकास में भी योगदान रहा। बिहार की भाषाओं में मैथिली भाषा सबसे उन्नत एवं विकसित है। यह तिरहुत क्षेत्र के दरभंगा प्रमंडल में बोली जाती है। इस भाषा के प्रयोग के लिए एक अलग लिपि का विकास किया गया है, जिसे मैथिली लिपि कहते हैं। यद्यपि प्राचीन काल से ही मैथिली भाषा बोली जा रही है, परंतु इसके वर्तमान स्वरूप का उदय 10वीं शताब्दी में हुआ। विद्यापति मैथिली के एक प्रसिद्ध कवि थे। उन्होंने कविता के माध्यम से ही मैथिली साहित्य को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया। अपनी कविता के द्वारा मध्यकालीन मिथिला के समाज में व्याप्त कुरीतियों का विरोध किया। इसके अलावा विद्यापति ने धार्मिक भावनाओं से जुड़ी रचनाएं भी लिखी, जो जनमानस को गहराई तक प्रभावित करती रहीं। विद्यापति की रचना, जिसमें उन्होंने गंगा नदी के प्रति श्रद्धा व्यक्त किया है, बड़ सुखसार पावल तो तेरे, छोड़ इत निकट नयन बहु नीरे। इस तरह प्राचीन काल से चली आ रही मगधी भाषा ने मगही का रूप धारण किया और उसी के अपभ्रंश से उत्पन्न होने वाली बोलियों में भोजपुरी बिहार के पश्चिमी और उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में बोली जाती है। भोजपुरी भाषा की उत्पत्ति लगभग 8वीं शताब्दी में हुई थी। यद्यपि भोजपुरी साहित्य का क्रमबद्ध इतिहास नहीं मिलता है और इसका लिखित साहित्य कम उपलब्ध है, परंतु इसकी मौखिक परंपरा लोकगीतों और लोक कथाओं के रूप में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है।
कबीर इस काल के प्रख्यात कवि थे जिनके दोहे धर्मनिरपेक्षता पर आधारित होते थे। इस तरह उर्दू, हिंदी, बांग्ला, मैथिली, मगही, भोजपुरी आदि भाषाओं एवं उनके साहित्य के विकास में इस प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसमें तुर्क एवं मुगल शासकों की अहम भूमिका थी। आइए अब देखते हैं चित्रकला। मध्यकाल से पहले भारत में चित्रकला को राजाओं का संरक्षण प्राप्त था। जैन, बौद्ध, राजपूत एवं अन्य हिंदू राजाओं ने प्राचीन भारत में चित्रकला के विकास में महत्वपूर्ण योग दिया। 7वीं-8वीं शताब्दी के चित्र समूचे भारत में लघु चित्रों से संबंध जोड़ते हैं। तुर्की शासनकाल में भी लघु चित्रकला शैली भारत में विभिन्न नामों से जीवित बनी रही। उनमें प्रमुख थे जैन चित्रकारी व पश्चिमी भारतीय शैली। समकालीन फारसी एवं हिंदी ग्रंथों में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भित्ति चित्रों, पांडुलिपि चित्रों और कपड़े पर बने चित्रों के प्रमाण भी मिले हैं। सल्तनतकालीन चित्रों में आम जीवन के दृश्य, शिकार के दृश्य तथा लोक कथानकों के चित्र शामिल हैं। इनमें सुनहरे रंग के खुलकर प्रयोग किया गया है। दिल्ली सल्तनतकालीन चित्रकला के बिखरे और बचे खुचे अवशेष हमें चंपान एवं सरहिंद के मुगल पूर्व स्मारकों और सीरी और बेगमुर के मध्य स्थित मखदूमावली मस्जिद से मिले हैं। भित्ति चित्रों के ये अवशेष फूल पत्तियों और वनस्पतियों के रूप में हैं। कुछ प्रांतीय शासकों ने भी चित्रकला को संरक्षण दिया। उनके समय में बनाए गए चित्रों का उल्लेख विशेष रूप से जौनपुर और बंगाल में मिला है। प्रांतीय चित्रकला में लघु चित्रों की प्रधानता थी, जिसमें लाल और कुछ चित्रों में नीली, हरी और पीली पृष्ठभूमि होती थी। भारत में मुगलों ने चित्रकला की जिस शैली की नींव डाली, वह मुगल चित्रकला के नाम से जानी जाती है। इसमें जो पहली महत्वपूर्ण कृत है दास्तान अमीर हमजा या हमजानामा है। यह एक दुर्लभ पांडुलिपि के रूप में उपलब्ध है। इसमें 1200 चित्र हैं। सारे चित्र स्थूल और चटकीले रंगों में कपड़े पर बने हुए हैं। अकबर के शासनकाल में चित्रकला का जो विकास हुआ, उसमें अकबर की व्यक्तिगत रुचि का महत्वपूर्ण योगदान है। अकबर के समय चौड़े ब्रश की जगह गोल ब्रश और गहरे नीले और लाल रंग का अधिक प्रयोग किया जाने लगा। उसके राज दरबार में जसवंत और दशावंत नामक प्रसिद्ध चित्रकार थे, जिन्होंने फारसी कहानियों को चित्रित करने का कार्य किया। महाभारत एवं अकबरनामा जैसे ग्रंथों की चित्रकारी इन्हें ही सौंपा गया था। इस काल में यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव मुगल चित्रकला पर दिखने लगा। यूरोपीय चित्रकला के कुछ नमूने पुर्तगालियों के द्वारा अकबर के दरबार में पहुंचे। इनमें से मुगलों ने दो विशेषताओं को ग्रहण किया, पहला व्यक्ति विशेष के चित्र को बनाना और दूसरा दृश्य में आगे दिखने वाले वस्तुओं को छोटे आकार प्रदान करना। मुगल काल में शिकार के दृश्य, पशु पक्षी तथा फूलों के चित्र विशेष रूप से बनाए जाते थे। राजस्थानीय चित्रकला शैली एवं पश्चिम भारत की चित्रकारी भी मुगलों की शैली से प्रभावित हुई। औरंगजेब के समय से चित्रकला का पतन आरंभ हो गया। जब मुगल दरबार में इनको आश्रय नहीं मिला, तो छोटे छोटे स्थानीय राजाओं और सामंतों ने इन्हें संरक्षण दिया और इन क्षेत्रों में अलग तरह की चित्रकला शैली का विकास हुआ। इस अध्याय में हम अब पहाड़ी चित्रकला एवं पटना कलम के बारे में विशेष रूप से पढ़ेंगे। तो आइए अब देखते हैं पहाड़ी चित्रकारी। उत्तर पश्चिम हिमालय क्षेत्र के विभिन्न पहाड़ी राज्यों में की जाने वाली चित्रकारी पहाड़ी चित्रकारी कहलाती है। इस क्षेत्र में वर्तमान हिमाचल प्रदेश, जम्मू और उत्तर प्रदेश का टेहरी गढ़वाल का क्षेत्र आता है। पहाड़ी चित्रकारी में पारंपरिक विषयों, पौराणिक कथाओं के अतिरिक्त बालिकाओं को गेंद खेलते हुए या संगीत साज बजाते या पक्षियों या पशुओं से अपना मनोरंजन करते हुए चित्रों को बनाया गया है। इसके अलावा राजा महाराजाओं के एकल या दरबारियों के साथ भी चित्रों को बनाया गया है। प्राकृतिक दृश्यों में फैली हुई शाखाओं वाली पत्तीदार घने और बड़े पेड़ों का चित्रण किया गया है, जो चित्र में फलों से लदे हुए हैं। यही नहीं, तारों भरे आकाश, आंधी तूफान और आकाश के अंधेरे में चमकती हुई बिजली के दृश्य भी बनाए गए हैं। पहाड़ी चित्रकला में भड़कीले लाल, नीले और नारंगी रंग से लेकर हल्के पेंसिल रंग का उपयोग किया जाता है। वस्त्रों, बर्तनों, सिंहासनों, कुर्सियों और कालीनों आदि के लिए सोने और चांदी के रंग का प्रयोग किया गया है। पहाड़ी चित्रकला में रंग की गई परतें चढ़ाई जाती थी। रंग की एक परत चढ़ाने के बाद उसे सूखने दिया जाता था और सूखने के बाद फिर से चमकाकर दूसरी रंग की परत चढ़ाई जाती थी। अंत में रेखा चित्र को काले या लाल आदि रंगों से गहरा किया जाता था। आइए अब देखते हैं पटना कलम। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण जब शाही दरबार में इन कलाकारों को प्रसाद नहीं मिला, तो ये अन्य क्षेत्रों में रहने लगे। 1760 के लगभग ये चित्रकार संरक्षण की खोज में बंगाल में मुर्शिदाबाद पहुंचे। उसके बाद कुछ चित्रकार पटना में भी आकर बसे। इन्होंने लोदी कटरा, मच्छरहट्टा, आरा तथा दानापुर
में बसकर चित्रकला के क्षेत्रीय रूप को विकसित किया। यह चित्रकला शैली ही पटना कलम या पटना शैली कहलाई। पटना कलम के अधिकांश चित्रकार पुरुष हैं, अतः इस शैली को पुरुषों की चित्रकला शैली भी कही जाती है। पटना कलम के चित्र लघु चित्रों की श्रेणी में आते हैं, जिन्हें अधिकतर कागज और कहीं कहीं हाथी दांत पर भी बनाया गया है। इस शैली में व्यक्ति विशेष पर्व त्यौहार एवं उत्सव तथा जीव जंतुओं को महत्व दिया गया है। इस शैली में ब्रश से ही तस्वीर बनाने और रंगने का काम किया जाता था। इसमें गहरे भूरे, गहरे लाल, हल्के पीले और गहरे नीले रंगों का प्रयोग किया जाता है। आइए अब देखते हैं संगीत। सल्तनत काल भारतीय संगीत के इतिहास में नए प्रयोगों का युग था। इस काल में रबाब, सारंगी एवं नवीन वाद्यों, गायन पद्धतियों तथा रागों आदि का आविष्कार हुआ। मध्यकालीन संगीत परंपरा के संस्थापक प्रसिद्ध कवि, इतिहासकार एवं दार्शनिक अमीर खुसरू थे। सूफियों ने भी संगीत का खूब प्रचार प्रसार किया। ये गजल के रूप में खुदा की इबादत करते थे, जो प्रेम काव्य के रूप में होती थी। ये सूफी संत खानकाहों में गजल गाते थे और भक्तिमय हो जाते थे। सल्तनत काल में दो प्रकार की गायन शैली प्रचलित थी, गजल और कव्वाली। गजल को अरबी भाषा में स्त्रीलिंग मानते थे और इसका अर्थ होता है प्रेम पात्र से वार्तालाप। एक गजल में कम से कम 5 और अधिक से अधिक 11 शेर होते थे। गजल का संग्रह दीवान कहलाता है। उस समय की अधिकांश गजलें श्रृंगार रस में लिखी जा होती थी। यही कारण था कि गजलों का गायन संगीत प्रेमियों को तो अच्छा लगता ही था, साथ ही साथ सूफियों को भी प्रिय रहा। गजल के साथ साथ गायन की दूसरी लोकप्रिय शैली कव्वाली थी। कौल का अर्थ हुआ कथन और कौल को गाने वाला कव्वाल कहलाता था और यही गायन शैली कव्वाली कही जाने लगी। गजल के विषय को पहले लौकिक प्रेम की दृष्टि से देखा जाए और फिर यदि उस विषय के प्रेम पात्र को ईश्वरीय मानकर भक्तिमय होकर गाया जाए तो वही कव्वाली का रूप ले लेती है। कुछ क्षेत्रीय राज्यों के शासक जैसे जौनपुर का सुल्तान हुसैन सरकी एवं ग्वालियर का शासक मानसिंह संगीत को संरक्षण देते थे। सिकंदर लोदी ने भी संगीत को संरक्षण देने की परंपरा का बड़े पैमाने पर पालन किया। मुगल बादशाहों ने संगीत को बढ़ावा दिया। अकबर के दरबार में गायकों को 7 भागों में बांटा गया था, जिनमें सप्ताह का एक दिन गायकों को एक भाग के लिए होता था। तानसेन अकबर के नवरत्नों में से एक थे। तानसेन के रचे हुए बहुत से ध्रुपद प्राप्त होते हैं, जिनमें बादशाह अकबर के गुणगान हैं। उस समय यह प्रथा थी कि जिसके राजाश्रय में जो गायक रहता था वह अपनी रचनाओं में उस आश्रयदाता का गुणगान किया करता था। ऐसी कथा प्रचलित है कि जब तानसेन दीपक राग गाते थे तो दीपक अपने आप जल उठता था और जब राग मेघ मल्हार गाते थे तो वर्षा होने लगती थी। क्या अब यह संभव है कि दीपक राग गाने पर दीपक स्वयं जल उठे और मेघ मल्हार गाने पर वर्षा होने लगे? आप इसके बारे में खुद सोचे। मुगल काल में ख्याल गायन का भी आविष्कार हो चुका था। ख्याल दो प्रकार के होते थे, बड़ा ख्याल और छोटा ख्याल। बड़ा ख्याल की लय धीमी रहती है और छोटे ख्याल की लय मध्यम व तीव्र एवं चंचलतापूर्वक रहती है, इसलिए बड़े ख्याल की मुकाबला छोटे ख्याल अधिक लोकप्रिय हुआ। बाद के मुगल बादशाहों ने संगीत को कोई विशेष प्रोत्साहन नहीं दिया। आइए अब देखते हैं बिहार में संगीत। यद्यपि बिहार में संगीत का प्रारंभ वैदिक युग में हुआ, परंतु तुर्की शासन में बिहार में सूफी संत के माध्यम से संगीत की प्रगति हुई। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद शास्त्रीय संगीत का प्रसार मुगल दरबार से लखनऊ, बनारस और पटना तक हुआ। बिहार के पटना, गया, आरा, छपड़ा इत्यादि शहर संगीत के प्रमुख केंद्र थे। पटना में ख्याल और ठुमरी को विशेष लोकप्रियता मिली। इसके अतिरिक्त गजल, दादरी, कजरी और चैती गायन लोकप्रिय की शैली हुई थी। बिहार में चिंतामणि नामक एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ हुए, जिन्हें बिहारी बुलबुल की उपाधि दी गई थी। तो आइए अंत में देखते हैं हमने क्या सीखा। पहला है, उर्दू की उत्पत्ति 11वीं शताब्दी में हुई। दूसरा, उर्दू का शाब्दिक अर्थ होता है शिविर। तीसरा, ईरानी सिंधु को हिंदू कहते थे। चौथा, अकबर के नवरत्नों में तानसेन भी एक थे। पांचवा, तुलसीदास ने रामचरितमानस ग्रंथ की रचना की। छठा, बंगाल के शासक नुसर शाह ने रामायण एवं महाभारत का बंगाली अनुवाद कराया था। सातवां, हेमचंद सूरी ने जैन साहित्य की रचना के क्षेत्र में अपना योगदान दिया। आठवां, महाराष्ट्र में एकनाथ एवं तुकाराम ने मराठी भाषा को काफ़ी विकसित किया। नौवां, बिहार की भाषाओं में मैथिली भाषा सबसे उन्नत एवं विकसित है। इसके वर्तमान स्वरूप का उदय 10वीं शताब्दी में हुआ।
दसवां, सल्तनत काल में दो प्रकार की गायन शैली प्रचलित थी, गजल और कव्वाली। ग्यारहवां, बिहार में चिंतामणि नामक एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ हुए जिन्हें बिहारी बुलबुल की उपाधि दी गई थी। तो आप सबको हमारा प्रयास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल है। धन्यवाद। थैंक यू।